अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों काफ़ी सारे लोगों की प्ले स्टोर के अंदर एक बड़ा इशू देखने को मिल रहा है। जब भी वो प्ले स्टोर से कोई गेम या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर किसी न किसी एप्लीकेशन के अंदर या किसी न किसी गेम के अंदर इस तरह का कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो योर डिवाइस इज इन कम्पेटेबल विद दिस वर्जन। तो ये प्रॉब्लम क्या है दोस्तों और इस प्रॉब्लम को हम फिक्स किस तरह से कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। आज का जो वीडियो है दोस्तों ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसा सलूशन बताऊंगा जिसकी मदद से आप इस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली फिक्स कर सकोगे। तो इस प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर को अपडेट करना है, ठीक है दोस्तों। ये भी हो सकता है कि काफ़ी देर से आपका प्ले स्टोर अपडेटेड नहीं है, तो उसी वजह से भी ये प्रॉब्लम आपके मोबाइल के अंदर आ सकता है। तो काफ़ी लोग कहते हैं यार कि वर्जन के हिसाब से आता है, तो यहाँ पर हमारे मोबाइल के अंदर 12 वर्जन है, सबसे बड़ी वर्जन है आजकल की, और फिर भी ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये वर्जन की नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर को अपडेट कर लीजिए। तो प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए, उसके बाद टॉप टू राइट पे आपकी प्रोफाइल का एक लोगो होगा, तो इस पर टाइप कर लीजिए। और उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा नीचे आ जाइए, तो यहाँ पर आप इस सेटिंग के ऑप्शन पर टाइप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अबाउट पे टाइप कर लीजिए, और अबाउट पे टाइप करने के बाद थोड़ा नीचे चले जाइए, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो अपडेट प्ले स्टोर। तो जैसे भी आप इस पर क्लिक करोगे, अगर आपके पास पहले से अपडेटेड नहीं है आपका प्ले स्टोर, तो यहाँ पर आपका डाउनलोडिंग यहाँ पर प्ले स्टोर का स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका प्ले स्टोर पहले से अपडेटेड है तो यहाँ पर आपको ये शो हो जाएगा गूगल प्ले स्टोर इज अप टू डेट, यानी कि अप टू डेट ये प्ले स्टोर आपका अपडेटेड है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप अपने सेटिंग पे चले जाइए, और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे चले जाइए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिस्टम का एक ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा, तो इस सिस्टम पे टाइप कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सिस्टम अपडेट, तो इस पे आप लोग टाइप कर लीजिए और यहाँ से अपने मोबाइल को अपडेट कर लीजिए। और उसके बाद दोस्तों आप एप्लीकेशन पे चले जाइए, तो यहाँ पर एप्लीकेशन पे टाइप कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर एप्स पे चले जाइए, और यहाँ पर प्ले स्टोर को सर्च कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं प्ले स्टोर पे टाइप कर देता हूँ, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टोरेज एंड कैश पे टाइप कर लीजिए, और उसके बाद नीचे आकर दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पर इसका स्टोरेज क्लियर कर दीजिए, और यहाँ पर कैश भी क्लियर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर इससे भी दोस्तों आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता, तो फिर एक और सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, उसकी मदद से दोस्तों आपका ये प्रॉब्लम 100% सोल्व हो जाएगा। आपको जो भी एप्लीकेशन या गेम डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले आप अपने गूगल पे चले जाइए, और गूगल पे जाने के बाद जिस भी गेम को आप डाउनलोड करना चाहते हो या जिस भी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो सर्च बार में उसका नाम डाल लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एडअप का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो एडअप प्रीमियम रश एप्लीकेशन है हमारे पास, और उसके बाद इसके साथ साथ आप लिख दीजिए ओल्ड वर्जन, ठीक है दोस्तों, OLD, और उसके बाद वर्जन साथ में लिख दीजिए, और उसके बाद APK डाल दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सर्च बार आप देख सकते हो, और उसके बाद इसे सर्च कर लीजिए, यानी हम गूगल को कह रहे हैं कि हमें इस एप्लीकेशन का ओल्ड एप्लीकेशन दे दीजिए, पुराना एप्लीकेशन दे दीजिए, ताकि वो आपके मोबाइल की सिस्टम के साथ मैच हो जाए और आपको ये प्रॉब्लम शो न हो। उसके बाद इस APK का वेबसाइट खोल लीजिए, और यहाँ से इस एप्लीकेशन को या इस गेम को डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका डाउनलोडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और कुछ ही देर में ये एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों आप अपने इस प्रॉब्लम को 100% सोल्व कर सकते हो। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, खुदा हाफिज़।